दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, पर उनके फैंस उनकी मौत के गम से बाहर नहीं निकल सके हैं और ना ही उनकी मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठा है। इसी बीच सुशांत के फैंस अभिनेता रणवीर सिंह के नए एड पर नाराज हो गए हैं। इस नए एड को देखने के बाद सुशांत के फैंस ने रणवीर को ट्विटर पर ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। रणवीर का यह लेटेस्ट एड विवादों में घिरता नजर आ रहा है। सुशांत के फैंस का मानना है कि इस एड में रणवीर ने सुशांत का मजाक उड़ाया है। यही वजह है कि गुरुवार को ट्विटर पर #boycottbingo ट्रेंड कर रहा है। इस मौके पर सुशांत का एक पुराना इंटरव्यू भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे साइंस की बातें कर रहे हैं। दरअसल एड में फैमिली फंक्शन में मौजूद रणवीर से जब उनके रिश्तेदार बार बार पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है, इसके जवाब में रणवीर बिना रुके एक सांस में कई साइंस के टर्म्स का यूज करते हुए अपने प्लान्स बताते हैं। बस इसी को लेकर सुशांत के फैंस रणवीर पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि रणवीर ने जानबूझकर सुशांत की नकल करने की कोशिश की है, जिसके बाद अब बिंगो ने इस एड से डिसलाइक बटन हटा दिया है। रणवीर की पत्नी और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ड्रग्स से जुड़े मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उनके और उनके मैनेजर के कथित चेक सामने आने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले भी सुशांत के फैंस महेश भट्ट और उनकी फिल्म सड़क 2 को ट्रॉल कर चुके हैं। लोगों ने फिल्म के बहिष्कार की मांग की। महेश भट्ट की इस फिल्म में उनकी बेटियों पूजा और आलिया के अलावा आदित्य रॉय कपूर भी हैं। आदित्य निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर के सबसे छोटे भाई हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही यह फिल्म सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के भाई भतीजावाद की मिसाल के तौर पर पेश की गई। सड़क 2 में अभिनेता संजय दत्त ने भी अहम किरदार निभाया। हालांकि मजेदार बात यह रही कि इंटरनेट पर कई लोगों ने इस ट्रेलर को ट्रॉल करने के साथ साथ संजय दत्त से माफी भी मांगी। दरअसल हाल ही में उन्हें फेफड़े का कैंसर होने का पता चला था, पर अब वह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट के कथित संबंधों को लेकर भी नेपोटिज्म परेशान है। रिया पर दिवंगत अभिनेता के पिता के सिंह ने एक प्राथमिकी में सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए हैं। सड़क 2 के ट्रेलर को यूट्यूब चैनल पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक किया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आई। एक उपभोक्ता ने सुशांत के लिए न्याय की मांग करते हुए लिखा, वहीं सुशांत के एक प्रशंसक ने लिखा, आलिया भट्ट को भी समय समय पर ट्रॉल किया जा चुका है। मालूम हो सुशांत ने इसी साल जून महीने में 14 तारीख को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब सुशांत के फैंस को अपने सुपरस्टार को इंसाफ मिलने का इंतजार है।